हेलो एवरीवन, ऑनलाइन बेंच डिफेंस पे आप सबका स्वागत है। मैं सोनल अग्रवाल, आपकी रीजनिंग फैकल्टी। जैसे कि आपको पता है कि एफकेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और 1 दिसंबर से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो जितने भी हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हुए हैं ऑनलाइन बेंच डिफेंस पे, उन्हें एफकेट के फॉर्म को अभी जाके फिल करना है। जल्द से जल्द फिल कीजिए। यदि आपको कोई भी क्वेरी होती है, क्या कोई भी आपको डाउट होता है एफकेट के फॉर्म में, वो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्लास में, या हम आप लोगों के लिए एक फॉर्म भरवा के भी दिखा देंगे कि कैसे फॉर्म को भरना है। वैसे आप लोग सारे ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी जब आप एफकेट के फॉर्म को क्या करोगे, अप्लाई करोगे, ठीक है। सो गाइज, आपको पता है कि एफकेट में आपके जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, और 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ईच क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, और साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग होती है, -1। तो वो -1 से बचने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना सिलेक्ट करो, ना ऐसा आंसर दो कि जिसमें आपका क्या हो जाए कि वो आपको डाउट में हो कि इसका आंसर ये होगा या इसका आंसर ये होगा। अपुन ही भगवान है, ये समझ के आपको पेपर नहीं देना है। आपको ये सोचना है कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन मुझे आता है तो मुझे ये अटेम्प्ट करना है। आप बिल्कुल श्योर हो उस क्वेश्चन के लिए, तो आप वो अटेम्प्ट करिए। एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है कि एक्यूरेसी क्या है। एक्यूरेसी के हिसाब से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। यदि आप पेपर को अटेम्प्ट नहीं करोगे एक्यूरेसी के हिसाब से, तो आपके जो मार्क्स है वो डिडक्ट होते रहेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन सही कर दिए या ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ज़्यादा क्वेश्चन गलत करने पर जो आपका -1 होगा वो आपको ले डूबेगा। तो वो -1 पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और रीजनिंग में आपको पता है कि आपके 32 मार्क्स आने, तो 32 मार्क्स को कैसे अचीव किया जाए। मैथ एंड रीजनिंग में आपके टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं। यदि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आपको मिलती है मैथ और रीजनिंग में, क्योंकि आपको पता है या तो इसका आंसर ये होगा सॉल्व करने के बाद, या तो नहीं होगा, ठीक है, तो आप छोड़ दोगे उस क्वेश्चन को। लेकिन आप डाउटफुल में नहीं रहोगे, जैसे आप इंग्लिश और जीएस में डाउटफुल में रहते हो। तो इस पे आपको फोकस करना है कि आपको मैथ और जो आपकी मैथ और रीजनिंग है उसको एक बेस्ट से बेस्ट आपको अपना क्या करनी है, तैयारी करनी है। आफ्टर दैट इंग्लिश या जीएस के बारे में यदि मैं बात करूँ, तो जीएस में जो आपका टॉपिक वीक है उसे पढ़िए, जो टॉपिक अच्छा है उसे भी पढ़िए। सबसे पहले आपको स्टडी प्लान बनाइए कि स्टडी प्लान क्या है। सबसे पहले सिलेबस को जानिए। सिलेबस होगा आपके पास, आपके पास स्टडी प्लान होगा, उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपनी पढ़ाई करोगे और साथ के साथ आप मॉक टेस्ट भी दोगे, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली कन्फर्म है एफकेट के लिए। एफकेट की यदि आप तैयारी कर रहे हो, तो साथ के साथ आपको एसएसबी के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। ये नहीं कि आपने एफकेट निकाल लिया लेकिन एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो पाए, दोबारा आपको एफकेट देना पड़ेगा, तो ये आपको नहीं सोचना है, ठीक है। सो गाइज, सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एफकेट के लिए, तो लो मैम आप बिल्कुल निकलिए। सो एफकेट के लिए यदि हम बात करेंगे, तो एफकेट में जो आपकी फोकस चीजें होती हैं वो होती है आपकी कि कैसे आपको एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस देना है बेस्ट, क्योंकि सिर्फ कट ऑफ पार करना है ये आपका एम नहीं होना चाहिए। आपका एम होना चाहिए कि आपको कट ऑफ से कम 50-60 नंबर ज़्यादा आने चाहिए। यदि आपके 50-60 नंबर ज़्यादा हैं, तो आप ये मानिए कि आपका सिलेक्शन होगा, मेरिट आउट भी नहीं होगा। आप मेरिट लिस्ट आउट होते हैं ना, वो भी नहीं होगा। यदि आप एसएसबी में रिकमेंड हो गए, तो वो भी आप आउट नहीं होंगे। तो इस बात को सबको फोकस रखते हुए ऑनलाइन बेंचेस ने आप लोगों के लिए कोर्स निकाला है, 75 डेज का मास्टर कोर्स है एफकेट का। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है और उस कोर्स के लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आप जब उस पर क्लिक करोगे, तो आपकी लाइव क्लासेस उस पर मिलेंगी, डाउट सेशन होगा, साथ के साथ आपको 5 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी, सब कुछ आपको अवेलेबल होगा ऑनलाइन बेंचेस के डिफेंस के यूट्यूब चैनल पर, और साथ के साथ एप्लीकेशन पर। गाइस, मेरा हमेशा ये एम रहा है कि आपको कट ऑफ से कम 50-60 नंबर ज़्यादा लाने, और मैं हमेशा अपनी हर एक क्लास में ये चीज़ बोलती हूँ। बच्चे ये पूछते हैं कि मैम रीजनिंग की कोई बुक बता दो, रीजनिंग की कोई बुक नहीं है जब तक सोनल मैम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। आपको सिर्फ बुक पे फोकस नहीं करना, आपको फोकस करना है तैयारी पर। जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराती हूँ उसकी एक नोटबुक बना लो, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसे लिख लो, जिससे आप लिख लोगे तो आपको याद होगा कि ये क्वेश्चन मैंने मैम ने बताया था और इसका जवाब मैंने नहीं दिया था। फोकस आप अपनी ज़िंदगी में करिए। एफकेट को एग्ज़ाम को यदि आपने टारगेट किया है कि आपको एफकेट का एग्ज़ाम निकालना है, आपको ऑफिसर बनना है, तो उस पर फोकस कीजिए। पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, और कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो कट ऑफ है वो बढ़ती जा रही है। यदि मैंने लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम दिया था वो 2017 में दिया था, एंड एफकेट में मेरे 227 मार्क्स आए थे, काफ़ी होते हैं, 227 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हाँ, ठीक है, किसी वजह से मैं एसएसबी कॉन्फ्रेंस आउट हो गई, शायद वो कहीं ना कहीं गलतियाँ मेरी ही रही हैं उसमें, और मुझे पता है कि मेरी क्या क्या गलती रही है। तो आप वो लोग गलती ना करो जो मैंने करी है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा गाइडेंस देती हूँ कि भाई नहीं,
ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करनी है, ऐसे करनी है, वैसे करनी है। तो आप लोगों को ऐसे लगता है अरे मैम ने कहा खुद तो सिलेक्शन हुआ नहीं, तो मैम भाई, लेकिन भाई मैंने जो गलतियाँ करी है वो आप लोग ना करो वो ज़्यादा मैटर करता है। अरे एफकैट में 227 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ईजी है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए आपको टारगेट करना पड़ेगा कि आपकी क्या चीज़ वीक है, आपका अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। जितने भी टीचर्स यहाँ पे आते हैं वो सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे आप लोगों को पढ़ाते हैं कि इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आ रहा है तो कैसे आप उसे मैनेज करोगे, कितना उसमें से पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। अभी आपने देखा होगा कि CDS आपका गया तो CDS में GK GS के कम से कम 60-70 क्वेश्चन हमारी जो ऑनलाइन बेंचेस की जो GS की टीम है उसने आपको दिलाए हैं। तो इसी सब चीज़ों को फोकस करते हुए आप लोगों के लिए एफकेट का ये बैच आया है। तो गाइज आपको एक और एक इन्फॉर्मेशन है कि यदि आप इस बैच को परचेज करते हो तो कुछ नहीं है, सिर्फ आपको यदि इसमें थोड़ा सा और डिस्काउंट चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो कूपन कोड को SOAG और 10 SOAG10 यदि आप इसे अप्लाई करोगे तो आपको 10% का इस पर क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइज आप लोगों के लिए एक चीज़ है, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो, खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत पड़ जाए। ये सच्चाई है, यदि आप ज़िंदगी में अपना एफकेट का एग्ज़ाम निकाल लोगे ना और आप एक बार सिलेक्शन ले लोगे, आप ऑफिसर बन जाओगे, तो आप कमज़ोर नहीं होंगे, आपको किसी का एहसान नहीं लेना पड़ेगा। तो गाइस फोकस ऑन योर एग्ज़ाम। तो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।